हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ फिजान शेख। सो एक और क्यूरी थी जो काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, तो उसी पे कुछ बात करेंगे आज। क्या एक तो है PSW, जिसे अब UK ने ग्रेजुएट राउट कहा है। तो मैं इस वक्त UK की जो वेबसाइट है UK.gov, ठीक है, वहीं से ही ये इंफॉर्मेशन जो है आपसे शेयर कर, लिंक भी मैं इसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं उनको रीड आउट करता हूँ। तो ये है कि उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। द ग्रेजुएट राउट विल बी अवेलेबल टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड अ डिग्री एट अंडर ग्रेजुएट लेवल और अबव एट हायर एजुकेशन प्रोवाइड विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस एंड हु हैव वैलिड टियर 4 और स्टूडेंट परमिशन एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है इसकी 1 जुलाई 2021 में, 1 जुलाई 2021 में स्टार्ट हो रही है। तो आपके पास होना क्या चाहिए PSW की एलिजिबिलिटी के लिए? आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास आपका कैस लेटर होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, जिसकी बेस पे आप ये करंट डिग्री, जिस पे आप ऑन बिहाफ ऑफ दैट डिग्री आप जो अप्लाई करना चाह रहे हो उसका कैस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आप टीयर 4 स्टूडेंट हो, आपका UK में होना लाजमी है, ठीक है। और ये मेंशन है द ग्रेजुएट विल रिक्वायर अ न्यू वीज़ा एप्लीकेशन विच विल ओनली बी पॉसिबल फ्रॉम इनसाइड द UK, ठीक है। तो आपका UK में मौजूद होना, वैलिड वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे होना लाजमी है, ठीक है। इट विल इंक्लूड द पेमेंट ऑफ वीज़ा फ़ी ऑफ £700, ठीक है। £700 जो है इस एप्लीकेशन की फ़ी होगी, ठीक है। और साथ आपको जो सालाना फुल रेट पे जो हेल्थ चार्जेस होते हैं NHS के, £624 हैं, वो भी पे करने होंगे, ठीक है। स्टूडेंट विल नीड टू, ठीक है, ये कैश का है, ये मैंने आपको बता दिया, जो भी टीयर 4 जो आपका स्टूडेंट है वीज़ा, ठीक है, उसका कैश आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑन द राउट विल बी एबल टू स्टे इन UK एंड वर्क और लुक फॉर वर्क एट एनी स्किल लेवल फॉर 2 years। डॉक्टर स्टूडेंट विल बी एबल फॉर 3 years, ठीक है। तो अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो आप 2 साल के लिए आपको PSW मिलेगा। डॉक्टर डिग्रीज हैं, जैसे PhDs कर रहे हैं अगर आप, ठीक है, तो आपको 3 साल का जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। इस पे जो चीज़ें लिखी हैं, यू विल बी एबल टू स्टे इन UK रह सकते हैं, इस दौरान काम कर सकते हैं, काम ढूंढ सकते हैं और किसी भी स्किल लेवल पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो थे कुछ ओवरव्यू पॉइंट्स के। 1 जुलाई से इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट है, £700 आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी देनी है, ठीक है। 624 NHS के चार्जेस हैं। अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स कम्प्लीट होना चाहिए, रिसेंट जो है summer 2021 के बियॉन्ड वो कम्प्लीशन हो या उसकी स्टार्टिंग हो, ठीक है। डिपेंडेंट्स ये हैं कि कोई भी अगर आपका टीयर 4 का स्टूडेंट है, वो 9 months से उसका जो है ज़्यादा उसका मंथ था, कोर्स था, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। दिस वुड मीन दैट ओनली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स स्पॉन्सर्ड बाय हायर एजुकेशन प्रोवाइड विद द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस ऑन द कोर्स एट लीस्ट 9 months लॉन्ग वुड बी एबल टू हैव डिपेंडेंट्स अंडर द ग्रेजुएट राउट। आगे इसके ऊपर भी उन्होंने ग्रेजुएट राउट के भी जो है डिपेंडेंट्स के लिए भी जो फर्दर चीज़ें रिक्वायर हैं वो भी मेंशन अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको अगर फर्दर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही इसमें से, लिंक क्योंकि शेयर कर दूंगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं ज़रूर दूंगा इसके ऊपर, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।